Hello students, a very good morning to all of you. Today I, Hiranatha from Gyanmanjri Vidyapeth, Mova, again welcoming you all in our class 4, unit number 2, video lecture number 16. I hope ki sab log all are healthy and safe at your home and all are studying properly, right? Abhi bhi bahut sara aise students hai jis jo log they are not sending me their homework. So I hopefully I'm saying that please try to attend this video lecture. अगर आप लोगों ने लीड स्कूल के लेक्चर्स देख लिए हैं, फिर भी एक बार ट्राई करो कि वहाँ पे ऐसे कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ आए, देन ट्राई करो कि आप ये वाले वीडियो लेक्चर में से ऐसे कंसेप्ट को कवर कर लो जो आपको वहाँ पे पता नहीं चले, राइट? सो हम लोगों का जो लेक्चर 15 था उसमें हम लोगों ने वर्कशीट यूनिट 2 में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन का यूनिट 2 स्टार्ट किया था. सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट यूनिट 2 में दो पार्ट्स कवर होते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन. तो सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट था सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स, व्हाट प्रॉब्लम्स थे, सब्ट्रैक्शन करना था, एडिशन जो भी था, वो हम लोगों ने एक पार्ट कवर कर लिया था. दूसरा पार्ट यूनिट नंबर 2 का हमारा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, वो हमने वीडियो 15 पे शुरू किया था. उस पर मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया था विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब कि कैरी ओवर नहीं था, सिंपल छोटे टेबल्स थे और उसमें कैरी ओवर यूज नहीं हुआ था, राइट? द टेबल्स वर आल्सो स्मॉल, टेबल्स भी इजी थे और हम लोगों ने वहां पे कैरी का यूज नहीं किया था और विदाउट रीग्रुपिंग हम लोगों ने मल्टीप्लाई का सम किया था. आज हम लोग वर्कशीट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, गिवन ऑन पेज नंबर 40. अभी आज वर्कशीट 11 में क्या है, मल्टीप्लीकेशन विथ रीग्रुपिंग. आज भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन के सम्स ही सीखेंगे, पर आज हम लोग सीखेंगे वहां पे विथ रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग मतलब अभी आएगा कैरी के साथ, हम लोग मल्टीप्लीकेशन के सम्स करेंगे कैरी के साथ, राइट? अभी वर्कशीट 11 पे उन्होंने बहुत सारे सम्स दिए, उसमें से मैं ए और बी दो सम्स अभी आपको यहाँ पे कराती हूँ. उसके बाद बाकी के जो सम्स है दैट यू कैन कम्प्लीट इन योर होमवर्क, राइट? अभी क्वेश्चन ए है 2124 मल्टीप्लाई 25, 2124 को मल्टीप्लाई करना है हमें 25 के साथ, राइट? ये जाने देते पहले. अभी मैंने आपको जब पहले के लेक्चर में मल्टीप्लाई सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि दो जो नंबर्स दिए उसमें से सबसे बिगर नंबर जो है वो पहले यहाँ पे लिखो, उसके बाद छोटा नंबर लिखो. तो इन दोनों में से विच इज योर बिगर नंबर, 2124 एंड विच इज योर स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर इज 25. अभी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड. बिगर नंबर को यहाँ लिखो 2, 1, 2. थोड़ा ये जो नंबर है ना आप थोड़े नीचे से लिखने का शुरू करना ताकि जब कैरी आगे आए ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट? 2124 मल्टीप्लाई 25. क्या किया हम लोगों ने, दोनों में से सबसे बड़े नंबर को यहाँ लिख दिया 2124, छोटा नंबर 25 को यहाँ लिख दिया. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड की प्लेस वैल्यू बॉक्स लिखा, उसमें ये बड़े नंबर को यहाँ पे पुट किया स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस. 4 को वंस की प्लेस पे, 2 को टेंस की प्लेस पे, 1 को हंड्रेड की प्लेस पे और ये 2 को वापस थाउजेंड की प्लेस पे. उसको मल्टीप्लाई किया 25 से, 25 का 5 वंस प्लेस पे और 2 टेंस प्लेस पे. ओके, चलो नाउ कैसे करना है, छोटा नंबर के में से वंस की प्लेस पे जो नंबर है वहां से वी नीड टू स्टार्ट द मल्टीप्लीकेशन. छोटा नंबर कौन सा है, 25. 25 में वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है, 5. तो हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से. तो सबसे पहले सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 5 फोर जार करो या तो 4 5 जार करो, आंसर विल रिमेन सेम. मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता, एडिशन में भी नहीं होता. ऑर्डर का इम्पोर्टेंस खाली कब होता है, सब्ट्रैक्शन, राइट? 5 फोर जार 20. अभी आपको आंसर दो डिजिट में मिल रहा है, मतलब 20 का 0 यहाँ रखो, 2 कहाँ कैरी करोगे, टेंस की प्लेस पे बाजू में 2 कैरी करो, यहाँ सर्कल कर दिया. 5 टू जार 10, प्लस कैरी किया हुआ प्लस करो, 10 प्लस 2 11 और 12. 12 का 2 यहाँ 1 कैरी जाएगा हंड्रेड के पास. अगेन 5 वन जार 5 प्लस 1 6 और 5 टू जार 10. अभी ये 5 टू जार 10 यहाँ ऐसे ही रख देना, इसकी कैरी बाजू में नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि थाउजेंड से बाजू में तो कोई नंबर उन्होंने दिया हुआ ही नहीं है. ओके, 5 से हमारा हो चुका, तो 5 को क्या कर देने का, क्रॉस.
और ये दोनों कैरीज को भी क्या कर दो आप क्रॉस, राइट, फाइव के साथ डन। अभी किसके साथ बाकी है, छोटा नंबर में से टेंस की प्लेस पे जो नंबर है टू, टू के साथ अभी सारे नंबर्स को स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद टू, राइट। फोर टू जार, पहले तो ये फाइव के साथ हो गया, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, या तो क्रॉस लगाओ या जीरो लगाओ, कुछ भी, ओके। फोर टू जार एट, टू टू जार फोर, वन टू जार टू, टू टू जार फोर, टू के साथ भी हो गया। अभी इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस जीरो और क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्रॉस को जीरो ही काउंट करो, तो जीरो का जीरो, टू प्लस एट करो या तो एट प्लस टू करो, एट के बाद टू गिनो, नाइन और टेन, टेन का जीरो, वन कैरी जाएगा सिक्स के ऊपर, सिक्स प्लस फोर टेन, प्लस वन इलेवन, इलेवन का वन और वन, टू प्लस जीरो टू, प्लस वन थ्री, और फोर प्लस वन फाइव। तो योर आंसर इज 53,100, राइट। ये था ए वाला सम। मूविंग ऑन टू बी, बी वाला सम का क्वेश्चन है 1362 मल्टीप्लाई 32। तो सबसे पहले बिग नंबर और स्मॉल नंबर, 1362 बड़ा है और 32 छोटा है, यहाँ पे लिखो 32, राइट। अभी यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड का टेबल बना, राइट। अभी ये टेबल में से ये जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे रखो, टू सिक्स थ्री और वन, मल्टीप्लाई छोटे नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करो 32। क्या किया, बड़ा नंबर लिखा, छोटा नंबर लिखा, फिर प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाया, प्लेस वैल्यू बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 32 से। नाउ स्टार्टिंग विथ 32 में से वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, टू, सभी नंबर्स को स्टार्ट करो किससे मल्टीप्लाई करना, टू से, टू टू जार फोर, सिक्स टू जार ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू यहाँ, वन कैरी जाएगा हंड्रेड के ऊपर, थ्री टू जार सिक्स और वन सेवन, वन टू जार टू, ये टू के साथ हो गया हमारा, इसलिए टू को क्रॉस कर दो, और इसके साथ हम लोगों ने जितनी कैरीज यूज की है वो कैरीज को भी क्रॉस कर दो, ओके। नाउ यहाँ पे क्रॉस लगाओ, क्यों, क्योंकि टू के साथ एक नंबर के साथ हमारा फिनिश हो चुका है। अगर क्रॉस नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो। नाउ अगेन मल्टीप्लाई एवरी नंबर विथ, हंड्रेड की प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है, सॉरी टेन की प्लेस पे थ्री, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स थ्री जार एटीन, एट यहाँ, वन कैरी जाएगा वापस यहाँ, थ्री थ्री जार नाइन और वन टेन, जीरो और वन, वन थ्री जार थ्री, प्लस वन फोर। अभी थ्री के साथ हो गया, थ्री को क्रॉस कर दो, दोनों नंबर्स को प्लस करो, फोर और क्रॉस मतलब फोर और जीरो क्या रहेगा, फोर का फोर, टू प्लस सिक्स, सिक्स के बाद काउंट करो सेवन और एट, सेवन प्लस एट, सेवन के बाद काउंट करो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव और वन कैरी जाएगा टू के ऊपर, टू प्लस वन थ्री, प्लस जीरो थ्री का थ्री रहेगा, और ये फोर के यहाँ कुछ भी नहीं है तो फोर ऐसे ही रहेगा। आंसर क्या है आपका, 43,584। ये था सिंपल मल्टीप्लीकेशन विथ रीग्रुपिंग, थोड़ा कैरी के साथ, ओके। अभी वर्कशीट 11 के बाकी के सम्स आप होमवर्क में करोगे, राइट। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ वन मिनट, एक बार ये देख लो, उसके बाद हम लोग वर्कशीट नंबर 12 का जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपको एक करा देती हूँ, ओके। स्टूडेंट सो मूविंग ऑन टू वर्कशीट नंबर 12 पेज नंबर 41। इसका हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। वर्कशीट 11 में हम लोगों ने जो देखा वो था मल्टीप्लीकेशन के सम्स रीग्रुपिंग के साथ, पर यहाँ पे जो दिया है वो 98 मतलब 9 का टेबल, 8 का टेबल, थोड़े बड़े नंबर्स मतलब दोनों नंबर्स में कैरी आ गए। वहां पे क्या था, खाली कोई ये जो छोटा नंबर दिया था कोई भी एक नंबर में आपको कैरी आती थी,
पर यहाँ पे अभी आपको कैरीज ज्यादा आएगी, इसलिए कॉन्सेंट्रेट मैं जैसा बता रही हूँ. ओके, पहली एग्जाम्पल है सॉल्व 7986 मल्टीप्लाई 98. तो बिगर नंबर कौन सा है? 7986 विच इज योर बिगर नंबर. 7986 इज योर बिगर नंबर. और विच इज योर स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर इज 98. ओके, 7986 इज योर बिगर नंबर और 98 इज योर स्मॉलर नंबर. राइट, नाउ पहले प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाओ. कहाँ तक बनाओगे? बिगर नंबर में देख लो कहाँ तक प्लेस वैल्यू दी है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड. मतलब अब जो प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाओगे कौन कितनी प्लेस वैल्यू तक? वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड तक. ओके, अभी ये बिग नंबर जो है वो यहाँ पे पुट करो. 7968. उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है? 98. मल्टीप्लाई करो 98. अभी मल्टीप्लाई करने का स्टार्ट करो. छोटे नंबर में वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8. हमेशा छोटे नंबर पे वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसी से हमें ये सारे नंबर्स को बड़े नंबर में सारे नंबर्स को स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. छोटे नंबर पे वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है? 8. सभी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ. राइट, 8 जार. अभी एक टेबल में अच्छे से ध्यान रखना, मैं एकदम स्लोली स्लोली करा रही हूँ. 8 जार 64. 4 यहाँ, 6 जाएगा कैरी यहाँ. 8 जार 64. 4 यहाँ, 6 जाएगा कैरी टेंस के साथ. 6 8 जार अथवा तो 8 6 जार. 8 6 जार 48. 48 में 6 प्लस करो. 48 के बाद 6 गिनो. 49 50 51 52 53 54. 54 का 4 यहाँ, 5 जाएगा कैरी 9 के ऊपर. 8 9 जार या 9 8 जार 8 9 जार 72 प्लस 5 73 74 75 76 और 77 7 यहाँ 7 जाएगा कैरी यहाँ 8 7 जार 8 का टेबल बोलो 8 1 जार 8 8 2 जार 16 8 3 जार 24 8 4 जार 32 8 5 जार 40 8 6 जार 48 8 7 जार 56 प्लस 7 57 58 59 60 61 62 63 63 पूरा यहाँ लिख दो. क्यों? क्योंकि अभी थाउजेंड्स के आगे तो कोई प्लेस दी ही नहीं है, तो आगे कैसे करोगे? नहीं होगा ना आगे. अगर आगे कोई नंबर हो तो ही कैरी होगा, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए पूरा नंबर यहाँ पे फिल कर दो. राइट, 8 के साथ हो गया. 8 को क्रॉस करो, यहाँ पे एक क्रॉस लगाओ और ये सारी जो 8 के साथ करी हुई कैरी है वो सभी कैरीज को क्रॉस करो. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एवरी नंबर अगेन विथ 9. 8 9 जार 72 2 7 यहाँ रखो. 6 9 जार अथवा तो 9 6 जार 54 प्लस 7 55 56 57 58 59 60 61 1 और 6. 9 9 जार 81 प्लस 6 82 83 84 85 86 और 87 7 और 8. 7 9 जार अथवा तो 9 7 जार 7 7 जार 49 7 8 जार 56 7 9 जार 63 होगा. 63 में 8 प्लस करो. 64 65 66 67 68 69 70 71 इसके साथ भी हो गया. ये सब कैरीज को भी क्रॉस कर दो. अभी इन दोनों नंबर्स को प्लस करो. 4 और क्रॉस, मतलब क्रॉस मतलब 0. 4 4 प्लस 2 4 5 और 6 7 प्लस 1 8 7 प्लस 3 8 9 और 10 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और ये 7 ऐसा का वैसा. ये आंसर मिल गया. अभी इसको रीड कैसे करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख. 7,80,864 7,80,864 ठीक है. सी, ये जब भी आप ऐसे बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो ये कैरीज अच्छे से याद रखना और थोड़े नंबर्स में बीच बीच में स्पेस रख के आप नंबर्स लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. राइट, गो थ्रू दिस सम. उसके बाद वर्कशीट 13 में जो एग्जांपल दिया है वो भी एक देख लेते हैं. ओके,
Okay students, so moving on to worksheet number 13, page number 42. Example है, solve 8090 multiply 79. पहले तो कौन सा बड़ा number है? 8090. Right, big number 8090, small number 79. अभी place value box गिनो, 1s, 10s, 100s, 1000. 1000 तक box बनाओ, 8090 वाले number को यहाँ पे रखो, उसको multiply करो 79 से. अभी स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना कहां से 9 के साथ. ओके 09 सर सी किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आंसर 0 ही आएगा. कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर को इफ यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 0 का आंसर हमेशा 0 ही होगा. ओके 09 सर 0 99 सर 81 81 का 1 यहां पे 8 कैरी जाएगा यहां 09 सर 0 और 0 प्लस कैरी तो प्लस करना पड़ेगा 0 प्लस 8 8 और अगेन 8 9 8 8 64 8 9 72 72 पूरा यहां पे रख दो. क्यों अभी 1000 के आगे कोई नंबर उन्होंने दिया हुआ ही नहीं इसलिए पूरा 72 यहां राइट. ये 9 के साथ हमारा हो चुका. 9 को क्रॉस लगाओ कैरी को क्रॉस लगाओ यहां पे एक क्रॉस राइट. अभी सभी नंबर्स को स्टार्ट करेंगे किससे करना 7 से 0 7 0 9 7 0 अथवा तो 7 9 0 7 7 0 49 7 8 0 56 7 9 0 63 3 और 6 जाएगा 100s के ऊपर के. ओके अभी 0 7 0 0 प्लस 6 6 8 7 0 अथवा तो 7 8 0 56 7 के साथ भी हो गया. 7 को क्रॉस कर दो कैरी को भी क्रॉस कर दो सभी दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे हम प्लस राइट. 0 और क्रॉस मतलब आंसर आएगा 0 1 प्लस 0 1 8 प्लस 3 8 के बाद 9 10 और 11 1 1 6 प्लस 1 7 प्लस 2 8 और 9 7 प्लस 6 13 3 और 1 5 और 1 6 1 10 100 1000 10000 10 6 lakh 39000. सी आपको जब भी आंसर मिले ना तो उसकी प्लेस वैल्यू गिन के आप कॉमास लगा देना. इंडियन प्लेस वैल्यू और वो हम लोगों ने सीखा है राइट. तो कोई भी आंसर ऐसे ही मत रखना कॉमास लगा के रखना. और उसको रीड कैसे करेंगे 6 लाख 39110 6 लाख 39110. ओके गो थ्रू दिस सम उसके बाद वी विल डिस्कस ऑन आवर होमवर्क. ओके ओके स्टूडेंट्स सो आज के वीडियो लेक्चर का आपका होमवर्क होगा वर्कशीट नंबर 11 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के सम्स देखे थे विथ रीग्रुपिंग. तो वर्कशीट नंबर 11 के दो सम्स देखे थे हम लोगों ने ए और बी. तो वर्कशीट 11 में वो ए और बी तो करने ही है पूरी वर्कशीट नंबर 11 और वर्कशीट नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 1 और मेन क्वेश्चन 2 दो दिए हैं पर उसमें आपको खाली मेन क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है आपकी नोटबुक में. सी सीधे सीधे आंसर्स नहीं लिखने वो सम्स आपको नोटबुक में करने हैं और उसके बाद आपको उसकी वर्कबुक में. कोई कोई स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्टली आंसर सेंड करते नो तो मुझे ऐसा लगेगा आपने कैलकुलेटर में वो सम कर लिया है. मल्टीप्लाई के जो सम्स है वर्कशीट 14 पे वो सारे सम्स आपको नोटबुक में सम करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई के और उसके बाद ही मुझे आंसर सेंड करना. ओके सो आज के वीडियो लेक्चर का आपका होमवर्क होगा वर्कशीट 11 में जितने सम्स है वर्कशीट 11 आप वर्कबुक में ही करोगे और वर्कशीट 14 मेन क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सम्स है वो सारे सम्स आप मैथ्स की नोटबुक में करोगे. ओके तो कल वाले वीडियो लेक्चर में वी विल स्टार्ट वर्कशीट 14 क्वेश्चन नंबर 2 और वर्कशीट 15 और उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे और फिर हमारा यूनिट 2 विल बी कंप्लीटेड राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.